जैन बच्चों, इसमें आप लोग महामना शुभ के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक चैप्टर 4 के गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको सिद्ध करना है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का मेथड आप जानते हैं, वही मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले इसको हम लोग मान लेंगे, माना पी एन इज इक्वल टू, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो एन इज इक्वल टू 1 रखने पर हम LHS देखेंगे, LHS। तो LHS में हमने आपको बताया था कि जो सबसे पहले टर्म होता है वही आता है, तो सबसे पहला टर्म जो है वह A हो जाएगा, यानी LHS की वैल्यू A हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे, और चलिए RHS में यन की जगह पे हम 1 कर देंगे, तो ये r का पावर 1 माइनस 1 अपान r माइनस 1, यानी ये हो गया a r माइनस 1 अपान r माइनस 1, r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल हो गया a, तो LHS की भी वैल्यू a आई और RHS की भी वैल्यू a आई। यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसके बाद जो है जो अगला स्टेप होगा, मान लेंगे कि n इज इक्वल टू k पर दिया गया कथन सत्य है, यहाँ लिख देंगे माना n इज इक्वल टू k पर, और लिख लेते हैं ये पी के इज इक्वल टू a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ए आर का पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर का पावर के माइनस 1 सॉरी आर का पावर के माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा आर माइनस 1 सत्य है। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके बाद वाले टर्म को रखते हैं। ज़रा देखिए, तो इसके बाद वाले टर्म को दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, तो इसके बाद वाला टर्म तब आएगा जब k के जगह पे k प्लस 1 कर देंगे। देखिए आप ज़रा, तो ये a रफ वर्क कर रहा हूँ, r का पावर k है, k के जगह पे k प्लस 1 कर दें, और माइनस 1 पहले से है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a r का पावर k हो जाएगा। तो अब ए आर का पावर के दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे, ये तीसरा स्टेप है। तो दोनों पक्षों में यहाँ लिखा जाएगा, दोनों पक्षों में ए आर का पावर के जोड़ने पर, देखिए दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यानी के जगह पे के प्लस 1 हो रहा है, तो k के जगह पे k प्लस 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये हो गया प्लस ar का पावर k माइनस 1, और फिर इसके बाद वाला पद हो जाएगा ar का पावर k, ar टू दी पावर k दोनों पक्षों में जोड़ा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ए आर का पावर के माइनस 1 अपान आर माइनस 1, और प्लस हो जाएगा ए आर टू दी पावर के। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखा जाए क्या प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ बल्कि लिख रहे हैं इसको, ये राइट साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं, और देखें राइट साइड को सॉल्व करने पर हमको क्या मिल रहा है, ये है ए आर का पावर के माइनस 1, और ये आर माइनस 1 का हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं क्योंकि इतना प्लस किया गया है दोनों पक्षों में। तो अब जो है ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर माइनस 1 और ए आर टू दी पावर के, और नीचे हो जाएगा आपका आर माइनस 1। फिर हम आगे इसको सॉल्व करें तो देखें क्या मिलता है, तो ये है आपका
सबसे पहले तो दोनों में से ए कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो दोनों में से हम ए कॉमन ले रहे हैं। तो अब यहाँ होगा आर टू दी पावर के माइनस वन, और फिर देखिए ए कॉमन निकल चुका है, तो अब ये है आपका प्लस आर माइनस वन, और ये है आर टू दी पावर के, और नीचे है आपका आर माइनस वन। एक स्टेप और हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए आर टू दी पावर के माइनस वन और प्लस, देखें यहाँ आर टू दी पावर के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आर इंटू आर का पावर के, तो यहाँ आर का पावर वन है, यहाँ आर का पावर के है, जब दोनों का गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा, तो आर का पावर हो जाएगा के प्लस वन, और माइनस हो जाएगा ये आपका आर का पावर के, और अपान हो जाएगा आर माइनस वन। तो देखें फिर आर का पावर के से आर का पावर के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ए, और यहाँ आर का पावर हो गया के प्लस वन माइनस वन, और फिर नीचे हो गया आर माइनस वन। तो ज़रा देखें आप, अगर यहाँ पर के जगह पर के प्लस वन कर दिया जाता तो यही चीज़ मिलता, देखिए बिल्कुल यही चीज़ मिलता अगर के जगह पे के प्लस वन कर दिया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि यन इजकल टू के प्लस वन के लिए भी दिया गया कथन सत्य है। यहाँ लिख देंगे यन इजकल टू, अतः यन इजकल टू के प्लस वन के लिए भी कथन सत्य है, कथन सत्य है। तो लिख दिया जाएगा अतः गणती आगमन के सिद्धांत से सिद्ध होता है कि दिया गया कथन सत्य है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें इसको सॉल्व करना है, तो एक बात याद रख रही, इसके पहले जितने जो क्वेश्चन थे सब में टर्म को जोड़ा गया था, और यहाँ टर्म जोड़ा नहीं गया। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म, इन सबका गुणा किया गया है। तो यहाँ भी हम मान लेंगे माना पीएन इज इक्वल टू, ये हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि एन इज इक्वल टू वन मान करके लेफ्ट और राइट को सॉल्व करेंगे। एन इज इक्वल टू वन रखने पर जरा देखिए, तो एन के जगह पर जब वन रख देंगे तो जो फर्स्ट टर्म है ना यही फर्स्ट टर्म आएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस थ्री बाई वन। तो देखिए वन और थ्री बाई वन करेंगे तो थ्री हो जाएगा, और वन प्लस थ्री जो है ये फोर हो गया, तो एल एच एस निकल गया, यहाँ ये एल एच एस है। अब इसके बाद हम आर एच एस सॉल्व करें, तो आर एच एस सॉल्व करेंगे एन के जगह पे वन कर देंगे, तो एन के जगह पे वन करेंगे तो वन प्लस वन का स्क्वायर, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू का स्क्वायर यानी फोर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एन इज इक्वल टू वन करने पर लेफ्ट की वैल्यू भी फोर आ रही है और राइट की वैल्यू भी फोर आ रही है। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अब अगला स्टेप एन इज इक्वल टू के रखने पर माना एन इज इक्वल टू के रखने पर अगर के रख दें तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया पी, एन के जगह पे के रख दें तो ये हो जाएगा वन प्लस थ्री बाई वन, और फिर ये हो जाएगा वन प्लस फाइव बाई फोर, वन प्लस सेवन बाई नाइन प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा आपका वन प्लस टू के प्लस वन अपान के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के प्लस वन का स्क्वायर सत्य है। दूसरे स्टेप में इसको माना जाता है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए ये जहाँ के है के की जगह पर के प्लस वन कर देंगे तो इसके बाद वाला टर्म मिल जाएगा, और सुनिए यहाँ जोड़ेंगे नहीं, ये देखिए गलती से प्लस लिख दिए हैं, ये प्लस नहीं डॉट 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 होगा,
तो यहाँ जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन नहीं है, प्लस नहीं है। तो अब जो है इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, जरा देखिए, रफ वर्क हम करते हैं, जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ k प्लस वन कर देते हैं, तो वन प्लस टू के जगह पे कर देते हैं k प्लस वन अपान हो जाएगा k प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये हो जाएगा, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस हो गया 2k प्लस वन और फिर हो जाएगा प्लस वन अपान k प्लस वन का होल स्क्वायर। ये रफ वर्क हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर k प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2k प्लस टू और प्लस वन हो जाएगा और ये हो गया k प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया k स्क्वायर 2k प्लस 2k, ये हो जाएगा 4k और फिर 1 2 3 और प्लस 1 ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी दोनों पक्षों में हमको इससे गुणा करना पड़ेगा, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपान k प्लस 1 से, k प्लस 1 के स्क्वायर से दोनों पक्षों में गुणा करने पर लिखा जाएगा कि k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपान k प्लस 1 स्क्वायर से दोनों पक्षों में यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे नहीं, गुणा किया जाएगा। दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो देखिए गुणा करने पर क्या मिलेगा, अब यहाँ पर n के जगह पर k के जगह पर अब k प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया पी के प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस थ्री बाई वन, वन प्लस फाइव बाई फोर, वन प्लस सेवन बाई नाइन प्लस एंड सो ऑन, ये है आपका वन प्लस टू के प्लस वन अपॉन के स्क्वायर और इनटू इसके बाद वाला जो टर्म होगा ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 और नीचे हो जाएगा आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इज इक्वल टू हो जाएगा राइट साइड में, यहाँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर है और इनटू ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 और नीचे हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए अगर k प्लस वन स्क्वायर से k प्लस वन स्क्वायर हम कैंसिल करते हैं तो अब ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 और देखो फिर इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ज़रा देखिए यहाँ पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर था और जब एक पद उसमें जुड़ गया तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यन इजकल टू के प्लस वन रखने पर भी कथन सत्य है, लिख दिया जाएगा यन इजकल टू के प्लस वन रखने पर भी कथन सत्य है, कथन सत्य है। अतः लिख दिया जाएगा, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध होता है कि दिया गया कथन यानी प्रश्न नंबर 13 में दिया गया जो कथन है वो कथन सत्य है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन जो आज बताए गए हैं ये सब आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।